एक सेकेंड। रोलिंग है भाई। ये इफ्तार पार्टी सबसे पहले तो एकता का मिसाल है। इफ्तार पार्टी आप लोग हर साल आप लोग भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। और बस भाई उसी के मिसाल है हमारी पार्टी की, इफ्तार की एन जी ओ जो है वो सबको एक छुट्टी लेकर चलती है। मुबारकबाद देना चाहूँगा और एक छोटा सा गाना। जीना जीना जीना, ओ जीना जीना जीना, उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी नीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहरा। ओ जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहरा, कुछ ख्वाहिशें जो अभी भी दिल में है और जब चाहते हैं वो पूरी हो जाए, वो क्या क्या रही है आपके दिल में? और जो क्योंकि सब वेल नोन डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, अब और क्या क्या जिंदगी में आप ख्वाहिशें करते हैं? मैंने बहुत पहले गाना किया था, गाना था चांद तारे पर उड़ा सारी दुनिया पर मैं था, बस इतना था। आपकी सब बागी टू आने वाली क्या क्या तैयारी चल रही है उसके बारे में बताइए। बागी टू की तैयारी चल रही है और जोरों में चल रही है, बस लिख रहे हैं स्टार्टिंग। भैया सर क्या कहना चाहेंगे शाम के बारे में? क्या शाम में मैं तो बस मेरे भाई ने मुझे बुलाया तो मैं चला आया, और आज की पार्टी धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे। क्या क्या पार्टी ने किया? 2600 रुपये जिन लोगों ने किया है उनको बधाई, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बधाई, और पूरा लाभ सबको अच्छे दिन दिखाए, अच्छे अच्छे दिन क्या मुझे ईदी लेने भी आऊँ मैं भी ही लेने आऊँगा मैं। कई बार देखा है आप इवेंट्स में या किसी बहुत कम फंक्शन में आप जाते हैं, क्या क्या मतलब स्क्रिप्ट की तरह आप फंक्शन भी बहुत कम चुनते हैं, बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है आपको, किस तरीके से? मतलब खुश नसीब ही हुई मेरी एक्चुअली कि मैं पर्सनली गया और मैं भैया से मिला, वैसे तो हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हमसे, मैं गया भैया से, बहुत बड़ी बात है कि आज अहमद भाई हैं, गैवी भाई यहाँ पे, दोनों मेरे बड़े भाई यहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हैं। ईद आ रहा है और ईद की कैसी तैयारी चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे ईद के लोगों से? वेल ईद की तैयारी हमेशा अच्छी होती है क्योंकि हिंदुस्तानी वो जगह है जहाँ पर यू एक्चुअली रियलाइज एवरी फेस्टिवल हैज़ गॉट इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, बिकॉज आप मिडिल ईस्ट चले जाओ वहाँ सब मुस्लिम सब ईद मनाते हैं, आप US चले जाओ वहाँ सब क्रिश्चियन सब ये। हिंदुस्तानी वो जगह है जहाँ गैर मजहबी लोग दूसरे मजहब की चीज़ मनाते हैं, जैसे यहाँ हो रहा है। सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर कंट्री। एंड खुशी इस बात है कि ईद के दिन आई गॉट 4 इन्विटेशन फ्रॉम ऑल नॉन मुस्लिम्स, सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ इंडिया। एंड इस बार भी वैसे मनाएंगे। ईद पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? लिव हैप्पीली एंड ईद मनाओ, इट्स अ वेरी सॉफ्ट त्यौहार, सॉफ्टली मनाओ और दोस्त यारों में प्यार बांटो, धन को छोड़ो, मुखालिफ नहीं हो लोगों के, और सबकी रद्दो अमल एक रहे,
गॉड ब्लेस इंडिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। क्या जी आप क्या कहना चाहेंगे आप गुलाम? सबसे पहले तो अपने स्मार्ट एनजीओ की तरफ से अहमद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे बेटे के बुलाने पे आए हैं, और सोशल इसमें से समझ में आता है कि इनको इतना सोशल एक्टिविटीज़ पसंद है और ये खुद इतने सोशल हैं कि यहाँ पर आए हैं। इनको आज से मैंने एडवांस में इनकी बधाई भी देना चाहेंगे। थैंक यू। करण भाई के साथ में मैसे होता है, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो इनका कोई भी वेंचर होता है, इतने सारे वेंचर्स होते हैं इनके एक साल के अंदर, तो हर बार ही अच्छे कपड़े पहना के बुला देते हैं हमें। तो आज के दिन हम खाएंगे खाना, अच्छी आज करेंगे, और यदि खाने से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसमें हमेशा खुशी होती है। और जो आप भी यहाँ पे हैं, करण को विश करना ऑल द वेरी बेस्ट ईद के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा ट्यूबलेट देखे बट आई थिंक जोक्स अबाउट, आई थिंक बहुत ही हॉबी फेस्टिवल होते हैं, आई थिंक कि जो रोजे लोग रखते हैं हैट्स ऑफ टू देम। और मुझे खुद मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी रखूँ मेरे को। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, आई थिंक सलमान सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और कबीर खान जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। सम वन बी वॉचिंग टू लाइक फर्स्ट शो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, एंड आई होप शो अच्छा। अपकमिंग प्रोजेक्ट सुक्री रिटर्न हमारी खत्म हुई है 8 दिसंबर 2017 में, वो अभी खत्म हुई, और एक फिल्म है जो जिमी शेर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं कर। थैंक यू। सर कुछ मामा जी आ रहे हैं वो अभी तो रविंद्र पटेल जी के साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ शिवसेना के थोड़ा सा कोई नाम बता ही देते हैं। हाँ जी भाई रोलिंग इफ्तार पार्टी की पहले सबसे पहले मैं सबको क्या बोलते हैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे ऑफिस में एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और प्यार बढ़ता है। इफ्तार पार्टी तो खाना है बट मोर ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से जुड़ने का हमें मौका मिलता है, तो ऐसे मौके कभी छोड़ने नहीं चाहिए। तो मैं पहुँच गया इसके बारे में, इनके बारे में क्या बोलूँ यार, गुड लाइक आगे सर मुझे इन्विटेशन मिला, मैं बोला वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो इट्स वंडरफुल, लाइक बहुत ही बढ़िया मौका है, तो मैं बोला छोड़ना नहीं चाहिए। यह है द लास्ट एनकाउंटर की टीम, ये एनकाउंटर भी हमारी जो सुपर लास्ट एनकाउंटर की टीम है, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर हेडिंग टू अ गुड मिशन। तो शायद जो आएगा तो लोगों तक पहुँचेगा, वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। एक तो मैं प्रोड्यूसर साहब को मतलब बोलना चाहता हूँ कि इनका बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए कि ऐसी फिल्मों का मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं, नहीं तो मोर ऑफ लाइक यू नो लोग बोलते हैं अरे नहीं यार सोचते हैं जरा यू नो विल थिंक के बनाए या नहीं बनाए, बिकॉज अभी अभी फिल्म देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसी फिल्म को बैकिंग करना भी उसके लिए जिगरा चाहिए। सो थैंक्स टू हिम अगेन, थैंक्स फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग मैन सीरियसली, और मैं बहुत मतलब तहे दिल से बोल रहा हूँ कि आई वॉज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, थैंक्स टू विकी जिसने मुझे ढूंढ के निकाला, कहाँ से ढूंढ के निकाला मुझे नहीं मालूम, एंड हाँ ढूंढ के निकाला और ढूंढ लेता मैं उसका हिस्सा बन गया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, सच ए ब्रिलियंट फिल्म। मेरा कैरेक्टर नॉर्मली जैसा हमेशा होता है कि मैं कॉप प्ले करता हूँ, तो इसमें भी कुछ अलग तरीके का कॉप इतना कह सकता हूँ, जो शायद अभी तक मेरा शायद वो रूप देखने को मिला ही नहीं ऑडियंस, मुझे खुद नहीं देखने को मिला था वो, हाँ तो ये मुझे खुद ये नया रूप देखने को मिला एज ए पुलिस कॉप लाइक एज ए पुलिस ऑफिसर, टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस मेरे लिए एक चैलेंज था, मैंने अभी तक ऐसा प्ले नहीं किया, तो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। इसको शुक्र दर्शक दर्शक मैं तो फिल्म द्वारा मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा
अपना मैसेज मिलेगा, आप लोग जाकर फिल्म देखिए एंड कुछ तो मिलेगा इस फिल्म से आपको, बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। तो जो आज हो रहा है या जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, तो शायद एक नया पर्सपेक्टिव मिले उनको इस फिल्म से। रिहर्सल थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी दर्शकों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एंड उनके लिए ज़्यादा बताना चाहता हूँ। जो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तो याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफा मुड़ के देखो ऐ यार जरा हमको। जो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, जाओ ले जाओ नींद मेरी उठाना करेंगे, जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे। जीना हमको आता ही नहीं तेरी बातों के सिवा, मरना अब तो नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। लो मान लिया हमने परवाह तुमको, हम याद नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, बस एक दफा मुड़ के देखो ऐ यार जरा हमको। लो मान लिया हमने एतबार नहीं तुमको। हाँ जी इसमें बोली बोली हाँ सब अंदर नहीं नहीं डिनर का भी सब लोग आ रहे ना। हाँ जी मैं कहना चाहेंगे पार्टी का लॉन्च किया है आपने। बहुत अच्छा लग रहा है आपका लॉन्ग टाइम आप कमिंग टू अटेंड एट स्टार पार्टी। लास्ट टाइम आई वाज नॉट इन मॉबिक एंड स्पेशली करण इज लाइक अ ब्रदर एंड ही इनवाइट मी ऑल द टाइम फॉर हिज बर्थडे एंड एनी इवेंट एंड आई कैन नेवर स्किप इट एंड लकली आई वाज नॉट शूटिंग टुडे सो नो एक्सक्यूज फॉर दैट। मोस्टली होता है कि यार आई एम शूटिंग यार, मैंने तो लगता था कि यार उसको लग रहा है बहाना बना रहा हूँ, तो जिस दिन मैं कहता था उसको शूटिंग करो तो रेस्ट पे कम देखते हो, तो मैंने कहा नहीं यार अभी आई वाज डूइंग पद्मावती, तो उनका शूट काफ़ी मतलब लंबा चल रहा था, कभी शाम को 7 बजे 7 बजे तो आज छुट्टी थी, अब कल सुबह तक शूट है। लकीली आज चार पार्टी अटेंड करने के बाद आराम से सो के सुबह शूटिंग में जा सकता हूँ एंड आई विश एवरीवन एंजॉय स्टार एंजॉय रमजान। बहुत मज़ा आता है जैसे ये त्यौहार भी हमें त्यौहार लगने लगे जैसे दिवाली होली होता है, तो करण लाइक ही सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग तो ही नेवर स्किप एनीथिंग। तो अभी जब करण का मैसेज आया तो रिमाइंडर मेरे लिए तो फैमिली वाली बात है, कल पे पहला साल यहाँ रहा है, मैं तो भाई जानता हूँ, मैं इतने सालों से हमेशा बुलाता हूँ, मैं हमेशा पहली बार मैं लेट हो गया हूँ एक्चुअली यहाँ रहने, और मैंने सोचा हर बार मैं नाश्ता करके निकल जाता हूँ आज डिनर करके जाऊँगा। और एक कमाल की चीज़ है, आई मीन आई थिंक ये इनिशिएटिव हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हम इस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर इतने फेस्टिवल होते हैं, और ये स्पेशली हमारी जो मुस्लिम गाँव है उनके लिए सबसे बड़ी उनका महीना है, पाक महीना होता है, इतना सेलिब्रेट करें। तो आई थिंक आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इतने सालों से मेंटेन कर रहा है और अच्छे लेवल से मेंटेन कर रहा है, सो मैं हमेशा इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, और खाना भी इजी होता है तो अगले हफ्ते ईद की शुभकामनाएं देती हूँ।
बिकॉज मैं इनकी शुक्राना सिर्फ मेरे मुसलमान दोस्तों को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को, पूरे पाकिस्तान को, सर किसी को देना चाहूँगा जितने भी मुसलमान सुन आ रहे हैं कि मुझे पता ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है. सो हैप्पी ईद एंड आई होप मुझे भी कुछ गिफ्ट भेजें आप. ईद ही भेज दो भाई, ईद ही भेज दो यार. लव टू हैव यू और ईद की बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू विशाल जी. विशाल जी क्या कहना चाहेंगे आज इस इफ्तार पार्टी में आए बबीता जी और प्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनका जो एनजीओ है स्मार्ट उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? मैं एनजीओ और स्मार्ट के लिए और करंट बबीता वर्मा इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक पार्टी के माध्यम से जितने भी अन्य हस्तियाँ होती हैं, सीरियल वाले लोग होते हैं, लोग नोटिस रहते हैं और लोग एक साथ मिलके उनके समाज लोग मिलकर विकास चलाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार लोग गुजर खान का पार्टी रखते हैं वैसे ही आने वाले दिन में करण सिंह प्रिंस एवं बबीता वर्मा होली मिलन समारोह और दिवाली मिलन समारोह भी मनाए. ईद आ रही है, क्या कहना चाहूँगा? ईद में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरे तरफ से और इंशाल्लाह उसी तरह तरक्की करते रहें और उनके रोजगार बरकत रहे. कहते हैं ना बीवियों के लिए कि मतलब हर एक पति का प्यार हो चाहिए तो पेट से गुजर रहा है, तो वैसे ही हमारी बीवी है. मतलब जब देखो खिला पिला के सबको खुश रखता है, तो एक तरह से हमारी बीवी है, सबको खिलाता पिलाता है, पार्टी देता है. बहुत बार मैं आ नहीं पाता पर आज मैंने डिसाइड किया, आज भी बिजी था, बोला नहीं भाई हमेशा इतने मैसेज फोन खास करण भाई के लिए आया हूँ. सब लोग के लिए दुआ जितनी भी अभी ईद है उनके लिए इफ्तार पार्टी है कुछ ही दिनों में, मंडे शायद ईद होगा, तो मेरे तरफ से सभी को ईद मुबारक, सभी दोस्तों और सभी जो देख रहे हैं मुझे लाइक. भाई और कुछ पूछना है इसके अलावा? सर कुछ कहना चाहिए? अच्छा कुछ कहना चाहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? मैं अपना पब्लिसिटी कर देता हूँ. करो ना भाई. हाँ करो भाई. पे ट्यूबलाइट रिलीज होने वाला है तो ट्यूबलाइट के साथ मेरी कायरे रास्ता लगकर एक मराठी पिक्चर का टीजर आने वाला है, तो उसमें आप मुझे देखोगे, ध्यान से देखना, मैं हूँ उसमें जो बड़ा ही सबसे मेन हीरो दिखाई देगा मैं रहूँगा. तो उसी बस ट्यूबलाइट और जो भी हमारे साथ खुशी चल रही है और सबसे ये जो मौका है ईद का, इसमें हम लोगों को रोज़ा के बहाने खाने पीने मिलता है, ऐसे लोगों को मिलने मिलता है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को, बस खुशी है एंड थैंक यू सो मच. आ जा आगे ले गंजा. यस फाइनली सनी एक और टीम मेंबर आ गया. यूएसए बाय द वे इस बार बीसीएल में टीम है, इसमें मैं फिर से कोमनर हूँ अहमदाबाद एक्सप्रेस, तो मेरी बहन उसमें है, मस्की भाई इसमें है और मस्की कैसे नहीं रहेगा, मस्की रहेगा इसकी बॉल ऐसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता. माय गॉड इधर ही तारीफ हो रही है, अब क्या करें. मुंह मियां मिट्टू बन गया. आप कुछ कहेंगे? थैंक्स थैंक्स बहुत सक्सेस है स्पेशली इफ्तार पार्टी लाइक लास्ट ईयर. ये साल भी है ये हम खूब मेजर के खिलाते हैं उधर आए. मैं कहा बहुत पार्टी देता लेकिन बंद मैं मिस करता आज मैं खूब खिलाते हैं उसके बाद प्रैक्टिस पे थैंक यू. सबसे हर साल में करण का उत्तर पार्टी में आता है, हर साल में रिटर्न में बुलाते हैं, पार्टी बहुत अच्छी होती है, ऐसा ही कार्यक्रम हर साल आप करते रहो. थैंक यू. और आपको सिलेक्ट करेंगे करण सर बहुत बड़ा एक्टर है, बड़ा बहुत बड़ा एक्टर बनेगा लोग पॉलिटिक्स वाला है भैया. हर साल मेरे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं वो, छोटी सी चीज़ हो बड़ी सी चीज़ हो. एक बेल में आज तक उन्होंने फोन लाया आधी रात को भी. कहते हैं ना लीडर बनना ज़रूरी है, नेता तो सब बन जाते हैं, तो भैया एक्चुअली लीडर है. थाने में बहुत लोग प्यार करते हैं, जनता दिल से जुड़ी है इससे और शिंदे जी से, और एक्चुअली मैं भी दिल से जुड़ा हूँ, मैं अंधेरी रहता हूँ, मेरी इंडस्ट्री यहाँ पे है, बट जब भी कोई मिलता है तो डेफिनेटली भैया का दीवाना हो जाता है और हम सब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना. थैंक यू.
थैंक यू रोलिंग सर, क्या कहना चाहेंगे उत्तर पार्टी के बारे में? ग्रैंड सर ने जो उत्तर पार्टी दी है तो यार भरत सर के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक बात मिली। उन लोगों ने मतलब जो इन्होंने एक किया मतलब बहुत अच्छा। मैं अपने ही तो मैं उत्तर के सारे मुसलमान भाइयों को उत्तर पार्टी की बहुत बड़ी मुबारक बात है। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चिंता चल रहा है, क्या काम करते हैं जो अभी अभी करंटली मैं कर रहा हूँ मिसिंग में? और इस तरह की जो ब्यूटी बैंक करार में है, इसके अलावा और कुछ शूटिंग करने से हम बताना चाहेंगे ऐसा जैसा? अभी कुछ प्लान नहीं है, बट यस कुछ प्लानिंग चल रही है बैकग्राउंड में, मैं भी जल्दी सामने रोली भाई एक मिनट क्या कर लीजिएगा डुप्लेट का बल्ब भी आएगा भाई अपने 10 मिनट रख लेना। सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी करण सर पे जो सर पार्टी का मिल जाएंगे इस बारे में आप कितनी खुशी मिली है यहाँ पे आके? करण ने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे अंदर 150 एक्टर आया। अब उसका जो बिल बैठने वाला है यहाँ पर वो करण जानेगा, फिर बाद में मेरे करण जो आएंगे वो सोच के टेंशन में आएगा। लेकिन करण मेरे भाई टेंशन मतलब मैं ही कहूँगा, मेरे बाकी जो 150 एक्टर बंद रहेगा। सोचो इस इतनी पार्टी में, इतनी पार्टी में अगर शाहरुख कहते हैं करण मेरे भाई तुम्हारा नाम भी करण और करण मुझे बहुत आप सभी को इतनी पार्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम एडवांस में ही दोबारा बाय। और हमारे और एक एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, अगर वो होते तो शानदार जबरदस्त धन्यवाद मेरी तरफ से आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। उससे ये नॉन स्टॉप है, अभी हाल ही में मुझे दवा साहब बल्कि बड़ी मिला है, आप लोग जानते हैं मुझे छुपा नहीं, और बहुत ही जल्द परिणाम वर्ल्ड हीरो रिकॉर्ड में आने वाला है, वो भी दर्ज हो चुका है। बस उसका सर्टिफिकेट जैसे आएगा मैं आप लोगों को शो करूँगा। ट्रॉफी आ चुकी है लेकिन मैं अभी मैंने कहीं डाले नहीं है, लेकिन मेरे मन में कहीं ऐसा है कि बस एक बार सर्टिफिकेट आ जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक पहला शख्स हूँगा कि मैं वेटलेस नॉन स्टॉप फिल्म की 50 वॉइस निकालता हूँ, वैसे 150 के ऊपर वॉइस निकालता हूँ। मेरी खुद की आवाज़ का पता नहीं मेरी खुद की आवाज़ है या नहीं मुझे मालूम नहीं, तो मेरे टीम से बता सकते। और ये कहते हैं आजकल देख रहे हैं कि हर कोई कॉमेडियन एक नया शो ला रहा है, आपका कोई एस्पिरेशन कोई ड्रीम से कि आप भी कोई शो लाएँ, वेब पे ही लाएँ या माना चाहेंगे? वेब पे ही ला सकते हैं, चैनल तो कोई मुझे पूछेगा नहीं तो टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी इतने सारे हैं, इतने सारे शो जाते हैं, तो लोगों को अब कुछ नया चाहिए। और वेब एक ऐसा अभी वेब ऐसा आ चुका है कि वेब में लोग अपनी जो इंडस्ट्री वेब में घुस गए, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो मैंने सोचा कि वेब में शुरू करूँगा, छोटा सा करूँगा लेकिन छोटे से बड़ा सा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बिरयानी खिला रहे और इसी बात में हम अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, तो ये वो हो जाता है कि आम के आम उठने पे नाम से बिरयानी भी खाने को मिलेगी, दोस्त भी मिलेंगे। और करण सर का बड़ा चाहिए, हर साल करण सब लोग बुला लेता है, काफ़ी नीचे के खाने में मिल लेते हैं, टी वी एक्टर्स आ जाते हैं और करण के कुछ पोलिटिकल दोस्त आ जाते हैं और काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो एक ही छत के नीचे हम लोग ये इफ्तार पार्टी से विजिट करते हैं। और करण जी खुद भी आ गए, ये हर वक्त पर एक ऐसा लगता है कि अभी जिम से बाहर आया, जब भी इसको मुझे भाई साहब पहुँची होता है। तो ये बॉलीवुड अड्डा है, फिर ये कोरोना है और शिव शक्ति है अपना स्मार्ट एनजीओ है, और अपना स्मार्ट एनजीओ है, इन सबकी तरफ से आप सभी और मेरी तरफ से आप सभी इसकी बहुत बहुत बधाई हो और हम दोनों की तरफ से भी इसकी बधाई हो। ये मेरा भाई बहुत अच्छे अच्छे वो लेके आता है, क्या बोलते हैं जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, हाँ शेफ, तो इसलिए आना पड़ता है हमको। और बिरयानी भी शुरू कर सकते हैं, इन दिनों में बिरयानी छोड़ना मतलब गुस्सा भी हो सकती है। मैं हमेशा इसके सारे इवेंट तकरीबन मिस कर देता हूँ, फिर बाद में माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे था कि आज आना है, आना ही। और आप सबको बहुत बहुत बधाई इसकी और मेरे भाई थैंक यू। हम दोनों को भेजना एक साथ, जो भी भेजना दो लेना भाई, सिंगल मतलब दो ये ना हो।
अपने शो का नाम नहीं है इसके अलावा एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें राघव बल्लभ सैनी बात एक साथ खा रही थी। ये दो चीज़ें कर रहे हैं और डीसीएल शुरू हो गया है। चलो थैंक यू। बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी रही, काफ़ी इफ्तार पार्टी आए दिन ज्वाइन करते रहता हूँ। आजकल मुंबई के कल्चर में भी इसलिए नहीं कि हमारे घर की पार्टी है, करम भाई मेरे भाई हैं, इसलिए जनरली कहना चाह रहा हूँ बहुत ही सुकून वाली पार्टी है। और ख़ास तौर पे अपने लजीज सब आइटम है खाने पीने के लिए, एडजस्ट किया आप लोग भी हो पाए क्या नहीं है, एवरीथिंग मेन्यू बहुत ज़बरदस्त है, चर्चा फाइव स्टार का मेन्यू है। तो इफ्तार पार्टी में क्या चाहिए बेसिकली, एक अच्छा पूरा रेसिपी लजीज खाना चाहिए क्या भाई? ऑफकोर्स खाना अच्छा है और माहौल तो इनके होने से ही अच्छा है। कनेक्टर भी देखने वाले हैं, मेरी दुआ भी है कि भाई मेरा भाई सबसे आगे है और यही उम्मीद भी है। ईद है अगले हफ्ते तो से गाना हो जाएगा। आज की पार्टी इनके तरफ से। थैंक यू। तो क्या कहाँ का लैंडस्केप का है? लैंडस्केप